बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने दिल्ली आवास पर बयान दिया कि आज आपातकाल घोषणा के दिन को भाजपा काला दिवस के रूप में मना रही है। आज के दिन लोकतंत्र को रोंदा गया, यह लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। जनसंघ से लेकर भाजपा ने देश हित में आंदोलन किए, नीतियां बनाई, कांग्रेस ने विरोधियों को दबाने के लिए आपातकाल लगाया, ये कहना है सीपी जोशी का। लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वालों को अपने इतिहास देखना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के समय संविधान को कितनी बार बदला गया। भाजपा ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर काम किया है। लोकतंत्र के इतिहास में आज को दिन को नहीं बुलाया जा सकता, ये लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। जिस दिन लोकतंत्र को रोंदा गया और आज स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने 19 महीने जेल में लेकर उन पुण्यात्मा को, या जो जीवित भी हैं उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, जिनको किस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, किस प्रकार से मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं उनको अपना इतिहास देखना चाहिए कि किस प्रकार से नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने और सोनिया जी के समय किस प्रकार से संविधान को कितनी बार बदला गया। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस देश हित में आंदोलन भी किए और देश हित में नीतियां भी बनाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी देखना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से देश में अपने विरोधियों को दबाने के लिए एमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया और जनसंघ से लेकर एक विचारधारा के लोगों को जेल में ठूस दिया गया। हमने तो 13 दिन और 13 महीने में एक वोट के कारण सरकार गई है, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, तो जनसंघ से लेकर अभी तक का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देश के सामने है और कांग्रेस पार्टी का भी इतिहास देश के सामने है। जो लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं उनको अपना इतिहास देखने की आवश्यकता।